हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ फार्मासिस्ट रागिनी चोलकर और आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे एसिब्रोफाइलिन सस्टेन रिलीज टैबलेट की। इस टैबलेट के क्या उपयोग हैं, डॉक्टर कब कब प्रिस्क्राइब करते हैं, किस किस ब्रांड नेम से हमें मार्केट में ये मिल सकती है, इस टैबलेट का काम करने का तरीका क्या है, कौन सी दवाइयाँ हैं जिन्हें इस टैबलेट के साथ में नहीं लेना है, किस कंडीशन में बीमारी में हमें इस टैबलेट को लेने से बचना है, डॉक्टर की क्या एडवाइस है, सारी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चाहते हैं किसी तरह के वीडियोस आपके पास आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाल कलर की बटन दी गई है उसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमेशा आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के यूज की। तो इस टैबलेट का उपयोग अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। अस्थमा वो कंडीशन है जिसमें कि क्रोनिक लॉन्ग टर्म का भी अस्थमा आता है। इसमें पेशेंट की जो सांस नली है सक्रिय हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा म्यूकस भी इकट्ठा हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट सांस नहीं ले पाता। इस कंडीशन को अस्थमा कहते हैं। COPD में इसका उपयोग होता है, जैसे इस डिसीज में सांस लेने में तकलीफ होगी इसमें भी पेशेंट को, और जो ब्रोंकियल ट्यूब है उसकी लाइनिंग में सूजन आ जाएगी। तो इन दोनों कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। ये टेबलेट अपने कई ब्रांड नेम से मिलती है, जैसे एबी फ्लो SR है। SR मतलब सस्टेन रिलीज। एबी फिट 200 SR है, एबी फाइलिन SR 200, एबी वायर 200 SR, एबी लंग SR। इसके अलावा ये अपने कई अलग अलग ब्रांड नेम से मिलती है एरिया और डॉक्टर के हिसाब से, लेकिन इसमें मेन जो ड्रग कंटेंट है वो एसिब्रोफाइलिन सस्टेन रिलीज ही लिखा होता है। बात करेंगे इस टैबलेट के डोज की। तो ये जो डोज है डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाती है, फिर भी इसके कॉमन डोज की बात करें तो ये ब्रोंकियल अस्थमा में 100 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार दी जाती है और इस टैबलेट को हमेशा खाने के बाद लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। टैबलेट के काम करने का तरीका अगर देखें तो ये टैबलेट जो लंग्स की मसल्स है उन्हें रिलैक्स कर देती है और चौड़ा कर देती है, जिससे कि पेशेंट आसानी से सांस ले पाता है और जो लंग्स है उसमें उपस्थित म्यूकस है या स्पुटम है या कफ है उसको पतला करने का भी काम करती है, जिससे कि आसानी से पेशेंट सांस ले सके और ये कफ पतला होकर आसानी से बाहर निकल जाए। टैबलेट के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें डायरिया होना, नोजिया होना, वोमिटिंग आना, चक्कर आना, हार्ट बर्न होना, स्टमक अपसेट लगना, स्किन पर रैशेस आना, ज़्यादा से ज़्यादा नींद आना, ये साइड इफेक्ट सामने आते हैं। इस टैबलेट के लिए एक्सपर्ट की कुछ एडवाइस है। बेटर रिजल्ट के लिए आपको ये टैबलेट हर दिन एक समय पर लेनी चाहिए। जनरली इस टैबलेट को खाने के बाद शाम को लेने को कहा जाता है। अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो उस कंडीशन में आप फास्ट एक्टिंग इनहेलर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको सांस लेने में आसानी हो। इस टैबलेट के दौरान आपका पोटेशियम लेवल जो है ब्लड में डॉक्टर लगातार चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद पोटेशियम की कमी आ जाती है। अगर आपको लीवर, किडनी या हार्ट डिसीज है तो अपने डॉक्टर से बात करें, क्योंकि इस कंडीशन में डोज एडजस्ट किया जाता है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इस टैबलेट को डिसकंटिन्यू ना करें, यानी कि कोई भी डोज मिस ना करें, लगातार लेते रहें जब तक आपके डॉक्टर ने कहा है। इस दवाई को कौन सी बीमारी में नहीं लेना चाहिए अगर इसकी बात करें तो, अगर आपको ओवर एक्टिव थायराइड है यानी हाइपर थायराइडिज्म है, इसके अलावा हार्ट बीट इरेगुलर रहती है, वायरल इन्फेक्शन है, इस कंडीशन में इस टैबलेट को ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इस दवाई से आपको एलर्जी है तो इस दवाई को नहीं लें, अपने डॉक्टर से बात करें।
प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। इस दवाई के ड्रग इंट्रैक्शन है, यानी कुछ दवाइयों को इस दवाई के साथ लेने से हमेशा बचना है, जैसे फ्यूरोसिमाइड है, एलोप्यूरिनॉल है, सीमेटिडीन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, एमोक्सिसिलिन है, डेल्शियाजेम, वेरापामीन, आइसोप्रिनेलिन है, डॉक्सीसाइक्लिन, प्रेडनिसोलोन है, एथिनाइल एस्ट्रेडियोल है, थायाबेंडाजोल है, तो इन दवाइयों को इसके साथ लेने से बचना है। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये जिसे ज़रूरत है उसके पास ये जानकारी पहुंच पाए। अगर आपके दवाइयों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।